गाजर आलू मटर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्वाद के अनुसार ले लिया है नमक, और गाजर मेरी ज्यादा है क्योंकि हलवे के जो डंठल होते हैं ना, तो वे गाजर। यारे दर्शकों, यहाँ पर कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, भले चंगे होंगे। तो यहाँ पर ये रेसिपी एकदम परफेक्ट, एक चम्मच क्या डालना है आपको, किस तरह से यूनिक टेस्ट आपका बन जाता है, और ये यमी होती है एकदम। सभी कोई पसंद करते हैं, बच्चे भी भाग के खाएंगे अगर पसंद ना करते होंगे तो। यहाँ पर ज्यादा बातें और ज्यादा समय ना खत्म करते हुए हम चलते हैं किचन में। और आप किचन में चलने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन सबसे ऊपर वाली प्रेस कर लें। और आप मुझे अगर पसंद नहीं आई रेसिपी मेरी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट तो जरूर करके बताएं कि आप हैं कहाँ से, मुझे अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट पर रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलू गाजर की रेसिपी किस तरह से बनाई जाए, एक चम्मच क्या डालना चाहिए जो यूनिक और यमी हो जाए। गाजर आलू मटर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्वाद के अनुसार ले लिया है नमक, और गाजर मेरी ज्यादा है क्योंकि हलवे के जो डंठल होते हैं ना, तो वे गाजर के नीचे के वो बच गए थे। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली छोटी छोटी दो, और ये मेरे पास हरी मिर्च जो है कुछ वेस्ट जा रही थी, तो वैसे तो मैं किचन वेस्ट में डाल देती हूँ गार्डन के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बढ़िया है और इनसे सब्जी लाजवाब बनती है, तो मैंने यहाँ पे पीसने के लिए ले ली है। और देखिए मिर्ची, और थोड़ा सा मैंने इतना सा लहसुन डाल लिया है। अगर आप खाते हैं लहसुन प्याज तो डालें, ना खाते तो ना डालें। यहाँ पर देखिए आप धनिया और अदरक पीस सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अदरक लिया है छोटा सा टुकड़ा। अब हम इसमें कलर के अकॉर्डिंग और एंटीबायोटिक हल्दी होती है वह डाल देंगे। यहाँ पर आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। मिर्ची हमने पहले ही डाल रखी है, तो यहाँ पे चुटकी भर डालेंगे कलर के अनुसार, और यहाँ पर चुटकी भर हम जीरा जरूर डालेंगे। अब हम यहाँ पर आधा कप डाल देंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप, और इसे पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है सरसों का थोड़ा सा, और जीरा मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैंने जो ये पीसा है, देखिए मैंने इसे पीस लिया है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए डाल दिया है, और मसाले को मैं अब इसे धोकर भी डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छी देखिए स्मेल तो बहुत ही अच्छी आने लग गई है, और बहुत अच्छा। ये पानी डालते हैं ना बाद में, इससे हमारा मसाला बहुत ही अच्छा, मैंने देखा है, क्योंकि मेरा तो यही काम है और इसी काम से मुझे मिलता है खाने को भी। हाँ जी हाँ, ये हंसने की बात नहीं है, यही ज़िंदगी की, हर किसी की ज़िंदगी की हकीकत होती है, किसी का कोई काम किसी का कोई काम, लेकिन मुझे तो मेरा यही काम खाने को भी देता है और पहनने को भी देता है और ज़िंदगी जीने को भी देता है। तो यहाँ पर देखिए इस पानी से अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा और तेल को छोड़ देगा। तो देखिए तेल को छोड़ने में हमें थोड़ी धीमी गैस करनी होगी, फ्लेम लो कर देंगे थोड़ा, और अब इसे हम ढक देंगे, लेकिन बीच में देखते रहेंगे ठीक है ना, ताकि ये लगे ना। थोड़ी सी ही देर में हम फिर से देख लेते हैं, नहीं तो मसाले को है ना जलने का खतरा रहता है, अगर जल जाता है तो अच्छा नहीं लगता, रेसिपी हमारी सारी बिगड़ जाती है। बस इसे हम एक बार और से ढक देंगे फिर से। तो चलिए यहाँ पर देख लेती हूँ मैं, और मैंने थोड़ा सा फ्लेम को हाई हल्का सा हाई कर दिया था, तो देखिए मसाले ने हमारे देखिए तेल अब अलग कर दिया है, तेल मैंने बहुत कम डाला है। अब जो है इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और देखने में भी यमी लगे और ग्रेवी हमारी और रेसिपी पूरी की पूरी हमारी बदल जाए एकदम बढ़िया टेस्ट में, इसके लिए मैंने डाल दिया है अब थोड़ी सी मलाई को, एक चम्मच जो कि दही के ऊपर जमी हुई है, इसे मैं बराबर चलाऊंगी ताकि ये फटे ना, अगर आप छोड़ देंगे तो ये फट जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे बुरे दिन साथी याद रहेंगे, कभी हंसते कभी रुलाते रहेंगे,
कभी हंसते कभी रुलाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब मसाले को। देखिए मसाले ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया है, जो हमारी मलाई से घी निकला था वो भी अलग हो गया है। अब इसमें क्या डालना है पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे एक मिनट तक ढककर लो फ्लेम पे, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए, ये गल जाएगी, गल कर ये बढ़िया हो जाएगी एकदम, जैसे कि होती है ना मटर सफल, बिल्कुल ठीक वैसे ही। तो चलिए एक मिनट हो गई है और हमारे दाने पटक पटक के पट 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 हो गए ना, ये सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम गल गए हैं, हमें इतना ही गलाना था इन्हें। और देखिए आप देख सकते हैं कढ़ाई ने भी और मसाले ने भी तेल और घी हमारा अलग छोड़ दिया है, जो मलाई का निकला घी है, और तेल बिल्कुल अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि कम डालती हूँ। अब चलिए इस पर डाल लेते हैं हम मसाले के ऊपर अपने आलू गाजर, जो हलवा बनाते हैं ना उसी के डांटे थे थोड़े नीचे के बचे हुए वही है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सबसे पहले। तो सॉरी मुझसे स्किप हो गया था, लेकिन मैंने ये एक कटोरी है ना आधा किलो पानी से थोड़ा सा कम है इस कटोरी में आता है, आधा किलो से कम आता है थोड़ा सा, वो मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी इस तरह से अब एकदम कुक होने वाली है। यहाँ पर मैं कर दूंगी ढकना लॉक। तो चलिए देख लेते हैं अब हम, मैंने एक बार बीच में चला दिया था ताकि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है, पानी सूखा तो नहीं है और सब्जी हमारी गली तो नहीं है। ऊपर की नीचे नीचे के ऊपर मैंने कर दी थी रेसिपी, अब हमारी एकदम परफेक्ट बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह से देखिए कच्छू को घुमाते हुए मैश कर दूंगी, थोड़ा सा गाजर को मैश होने देना चाहिए। तो चलिए मैंने मैश कर दिए हैं और गैस को भी मैंने थोड़ा धीमा ही कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया है मैंने फ्लेम को। यहाँ पर देख सकते हैं आलू और गाजर के अलग अलग कटे हुए पीसीज होते हैं ना, मुझे अब अच्छे नहीं लगते हैं, अलग अलग घूमते फिरते हैं। अब मुझे रेसिपी इसी तरह की ग्रेवी अच्छी लगती है रेसिपी की, देख सकते हैं आप एकदम बढ़िया रेसिपी हमारी बनी है। अब इसमें जाएगा क्या, ये मेरे गार्डन का बढ़िया सा फ्रेश सा एकदम ताज़ा ताज़ा हरा धनिया, जो कि मैं अब हरे धनिए की रोटी भी बनाने वाली हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, रोटी सिंपल है। हरे धनिए को बारीक बारीक कट करें और उस पर आप चलिए देखिए मैं अब आपको दिखाई दूँगी धनिए की रोटी कैसे बनाते हैं सिंपल, जो कि कुछ भी तामझाम ना जोड़ना पड़े, अंदर बिना भरना पड़े, बिना अंदर भरे धनिए की रोटी परफेक्ट कैसे बनाएं आप। तो चलिए सर्दियों की बेस्ट रेसिपी आलू गाजर की ग्रेवी एकदम बढ़िया वाली, और मुझे तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें, और देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही है आपको, लेकिन मुझे ये नेचुरल में बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि कैमरे में उतना अच्छा नहीं आता है सब कुछ जितना अच्छा रियल में होता है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गार्निश आपको और भी करके दिखाते हैं इस तरह से कुछ। अब सिरके की मिर्च ले सकते हैं साथ में, लीजिए हमारी आलू गाजर की सब्जी, एकदम सिंपल तरीका, एक चम्मच मलाई केवल, और आप अदरक या फिर मैंने अदरक का टुकड़ा पीस लिया था, मैंने इस बार सौंठ भी पाउडर नहीं डाला है,